दोस्तों नमस्कार, मैं मोनू पवार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। रविवार 7 फरवरी 2021 की सुबह उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ग्लेशियर टूटने और उससे मची तबाही आप सब लोगों ने देखी है। मैं उसके बारे में आपको नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं उस तबाही के बहाने इसी हिमालय क्षेत्र का एक बहुत मशहूर किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ। वो हिमालय में स्थित झील रूपकुंड की एक भयानक त्रासदी का किस्सा है, जिसमें कहा जाता है कि एक राजा, उसका पूरा कुनबा और उसकी पूरी सेना हिमालय में दफन हो गई थी। ये 11वीं 12वीं सदी का किस्सा है। ऐसा लोक विश्वास है कि रूपकुंड झील में आज भी जो नरकंकाल दिखते हैं वो उसी दौर में हिमालय में आई भीषण आपदा की याद दिलाते हैं। हो सकता है कि उत्तराखंड हिमालय में स्थित रहस्यमय झील रूपकुंड के बारे में बहुत से लोगों ने न सुना हो। रूपकुंड उत्तराखंड हिमालय में 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक गहरे नीले पानी की झील है। ये रहस्यमय झील सबसे पहले 20वीं सदी की शुरुआत में तब चर्चा में आई थी जब यहाँ बड़ी संख्या में नरकंकाल दिखाई दिए। उसके बाद रूपकुंड झील अंतर्राष्ट्रीय कौतूहल का केंद्र बन गई और तब से इन नरकंकालों की ऐतिहासिकता पर कई रिसर्च हुई हैं। विदेशी मीडिया में भी कई डॉक्यूमेंट्रीज इस पर बनी हैं। वो नरकंकाल आज भी रूपकुंड झील के किनारे मौजूद हैं। दोस्तों, उत्तराखंड हिमालय में ग्लेशियर टूटने और उससे मची तबाही के बीच रूपकुंड की सदियों पुरानी घटना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उस त्रासदी का जिक्र उत्तराखंड में सदियों से चले आ रहे लोकगीतों और लोक गाथाओं में है। ऐसा लोक विश्वास है कि तब एक राजा ने अपनी ठसक के चलते हिमालयी प्रकृति को रौंदने का दुस्साहस किया था, जिसका परिणाम उसे तबाही के रूप में भुगतना पड़ा था। अब राजाओं का दौर तो रहा नहीं, लेकिन राजाओं के आधुनिक अवतारों ने हिमालय में अराजकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड की मौजूदा त्रासदी संवेदनशील हिमालय को रौंदने की प्रवृत्ति का नतीजा भी मानी जा रही है। 2013 के जून महीने में केदारनाथ आपदा हो या 2021 के फरवरी महीने में चमोली जिले में आई आपदा, 8 साल के भीतर इन दो बड़ी आपदाओं ने हिमालय में सदियों पहले हुई त्रासदियों की याद दिला दी है। इनमें से रूपकुंड वाली त्रासदी का जिक्र तो गढ़वाल के लोक गीतों में भी है। हिमालय में रूपकुंड नाम की झील एक तरह से नरकंकालों की झील के नाम से भी जानी जाती है। पहाड़ के लोक जीवन में प्रचलित जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका कनेक्शन जुड़ता है उत्तराखंड हिमालय में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक पदयात्रा नंदा राज जात से, जो कि हर 12 साल में आयोजित होती है। नंदा हिमालय के लोगों की लोक देवी है, जहां उसे पार्वती के रूप में पूजा जाता है। नंदा राज जात की लोक गाथा में जिक्र है कि 11वीं और 12वीं सदी में आज के गढ़वाल इलाके में चांदपुर गढ़ी नाम की एक छोटी रियासत थी। वहां के राजा की बेटी वल्लभा का ब्याह कन्नौज के राजा जस धवल से हुआ था। वल्लभा जो है वो नंदा देवी की सहेली थी, जिसे उत्तराखंड के पहाड़ों में नंदा देवी यानी पार्वती के प्रतीक के तौर पर आज भी पूजा जाता है। लोक गाथा के अनुसार रानी वल्लभा को चांदपुर गढ़ी की ईष्ट देवी नंदा का दोष लगा, जिससे कन्नौज राज्य में भारी हाहाकार मच गया। राजा जसधवल को कुछ समझ में नहीं आया। उसके कुलगुरु ने सलाह दी कि इसका निवारण तभी हो सकता है कि अगर आप रानी वल्लभा के मायके यानी आज के गढ़वाल हिमालय में होने वाली नंदा देवी की राजजात में शामिल हों। संकट में घिरे राजा ने सलाह मानी। वो अपनी सेना और घोड़े खच्चर समेत पूरे लाऊ लश्कर और राशि ठाट बाट के साथ हिमालय में होने वाली यात्रा में पहुंच गया। राजा के साथ उसकी 12 बरस की बेटी जड़ीली और 10 बरस का बेटा जड़ील भी था और साथ में थी गर्भवती रानी वल्लभा।
दोस्तों ऐसा लोक विश्वास है कि कन्नौज के राजा ने तब अपनी हिमालय यात्रा में बुनियादी चीजों को नजरअंदाज किया। न तो राजा ने और न ही उसके लाव लश्कर ने धार्मिक यात्रा में वर्जित चीजों से परहेज किया। वो हिमालय के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को रौनते हुए बढ़ते गए। गढ़वाली लोकगीतों में इसका उल्लेख मिलता है कि उस धार्मिक यात्रा के दौरान ही एक जगह पर राजा ने अपने मनोरंजन के लिए साथ लाई गई दरबार की नर्तकियों और दासियों को भी गोल घेरे में नचवा दिया था। लोक गाथाओं में जिक्र है कि नंदा देवी इससे और रुष्ट हो गई और देवी के प्रकोप से नर्तकियां गोल घेरे में ही शिलाएं बन गई। वो शिलाएं उसी रूप में अब भी मौजूद हैं और उस जगह का नाम है पातर नचौनिया, अर्थात वो जगह जहां पर नर्तकियां नाची थीं। लोक गाथाओं के अनुसार हिमालयी इलाके में स्थित रूपकुंड झील से कुछ नीचे गंगतोली गुफा है। वहां पर रानी वल्लभा को प्रसव हो गया, जिस वजह से राजा जसधवल को अपनी सेविकाओं के साथ गुफा में रुकना पड़ा, जबकि राजकुमार, राजकुमारी, उनकी सेना रूपकुंड झील के ऊपर जूनागली धार में रुक गए। इसके बाद जो हुआ वो गढ़वाल के किस्से कहानियों में शामिल है, लोकगीतों में शामिल है, लोक गाथाओं में शामिल है। हुआ ये कि रात के समय बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई। न सिर्फ बर्फ गिरी बल्कि उस रात को बर्फीला तूफान भी आ गया और सारे के सारे लोग बर्फ के तूफान में उड़ गए, बर्फ के नीचे दब गए। इनमें से ज्यादातर लोग रूपकुंड झील में गिर पड़े। लोक गाथाओं के अनुसार राजा रानी भी बर्फीले तूफान में दब गए। ऐसी लोक मान्यता है कि हिमालय में रूपकुंड झील के इर्द गिर्द आज जो नरकंकाल दिखते हैं वो उसी समय के हैं। पहाड़ी लोक गाथा में ऐसा जिक्र भी मिलता है कि रानी वल्लभा की प्रसव के दौरान बिछौने के रूप में इस्तेमाल घास, जिसे कि गढ़वाली में पराल कहते हैं, उसे स्थानीय नंदाकिनी नदी में बहा दिया गया। ऐसा लोक विश्वास है कि तभी से नंदाकिनी नदी का पानी देवताओं में चढ़ाने के लिए पवित्र नहीं माना जाता। जागर लोक गीतों में भी इसका जिक्र आता है कि इसी घटना के बाद से गंगतोली गुफा का नाम वल्लभा स्वेलड़ा यानी रानी वल्लभा का प्रसूति गृह पड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड हिमालय में जो हर 12 साल में नंदा राजजात यात्रा होती है, उसमें रूपकुंड झील के उन मृतकों को पिंड तर्पण देने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम है। दोस्तों सदियों पुरानी हिमालय की इस लोक गाथा या वहां के लोक गीतों का जिक्र करने का मेरा आशय ये कतई नहीं है कि आप आंख मूंद कर उससे जुड़ी घटनाओं पर यकीन कर लें, लेकिन मैं इस लोक गाथा को हिमालय की प्रकृति और उसके पर्यावरण की नजर से भी देखता हूं। कथा कहती है कि एक राजा संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में एक धार्मिक पदयात्रा में सेना और अपने तमाम लाव लश्कर के साथ चढ़ गया। हिमालय प्रकृति को रौनते हुए आगे बढ़े, यही नहीं अपने मनोरंजन के तमाम साधनों को भी साथ ले गए। उच्च हिमालय क्षेत्र में जिन चीजों और जिन बातों से परहेज किया जाना चाहिए था उसका ख्याल नहीं रखा गया। हिमालय की मर्यादाओं का अलग अलग तरह से उल्लंघन आज भी जारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि 11वीं या 12वीं सदी का कोई राजा जसधवल आज नहीं है, लेकिन अपनी ठसक से जो हिमालय को रौंदने का जो दुस्साहस उस राजा ने दिखाया था वो प्रवृत्ति आज उससे भी ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आ रही है। सात फरवरी 2021 की सुबह को उत्तराखंड के चमोली जिले में जो हुआ वो बता रहा है कि प्रकृति और इंसानों के बीच के संबंधों का संतुलन गड़बड़ा गया है। नतीजतन हिमालय के भीतर आज कई रूपकुंड पैदा हो गए हैं। तपोवन के ऊपर ग्लेशियर टूटने की घटना हो या 8 साल पहले केदारनाथ की तबाही, अगर भविष्य में ये आपदाएं भी रूपकुंड की तरह लोक गाथाओं का हिस्सा बन जाएं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए।
बना बेटे को मोबाइल असल में उच्च हिमालयी क्षेत्र बहुत संवेदनशील इलाका है दोस्तों। वहां किसी भी तरह की धमा चौकड़े के साइड इफेक्ट्स दिख जाते हैं, चाहे वो विकास की आड़ में ही क्यों ना हो रहे हों। हिमालय न जाने कितने दुर्लभ पशु पक्षियों का सुरक्षित ठिकाना है। हिमालय में जो पेड़ हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो नदियां हैं, जो झरने हैं, जो ग्लेशियर हैं, इन सब का जो अस्तित्व है वो इन्हीं से है। तो हिमालय तो बहुत ही संवेदनशील जगह है जहां जरा सा शोर भी कभी किसी बड़े संकट को जन्म दे सकता है। लेकिन हमने वहां क्या किया, हमने वहां इंसानी दखल बढ़ा दी, वहां बड़े बड़े डैम को मंजूरी दे डाली, हिमालयी इलाके को कई जगहों से खोद दिया, जैसा चाहा वहां वैसा विस्फोट किया। और इसका नतीजा हमने केदारनाथ में भी देखा और अब रैणी गांव और तपोवन में भी देख रहे हैं। दोस्तों आज बहुत से लोग इसे प्राकृतिक आपदा ठहराए हैं, लेकिन ये आपदाएं वास्तव में प्राकृतिक हैं या कि संवेदनशील हिमालय के साथ किए जा रहे अप्राकृतिक कृत्य का नतीजा, ये सोचने वाली बात है। जिस दिन हम इसका ईमानदारी से आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उस दिन हम हिमालय को भी बचा पाएंगे और हिमालय के वाशिंदों को भी बचा पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर आगे बढ़ाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये गारंटी है दोस्तों कि आप तक मैं पहाड़ और वहाँ के जीवन से जुड़ी अनसुने और दिलचस्प किस्से पहुँचाता रहूँगा। आपको जो जानना ज़रूरी है वो चीज़ें आप तक शेयर करता रहूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।